नो 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 नो, ऐसा नहीं कर सकते हम. यू नो वॉट, अदर इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो डूइंग इट. क्या हुआ है कि कल मेरे मम्मी और दीदी के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई थी. Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my channel. So it's currently 7:39 in the morning. This is my old Samsung phone. मैंने अपना खुद का Google Pixel phone नीचे रख दिया है. ठीक है, नीचे मैं पानी लेने के लिए गई थी पीने के लिए. And guess what guys, this is the last vlog on my channel. And definitely I will give you some reasons. The very first reason is obviously that I don't get much views. And I have like 130k subscribers on my channel. और उसमें से I think 10 to 20% of you like to watch my vlogs. And rest of you are here for the beauty content and fashion content or lifestyle content. And I totally get it. So I have kind of cracked the code that what kind of vlogs my subscribers like to watch or like Indian audience like to watch. So the three popular kind of a vlogs are family vlogs. Okay, apne family ke saath rehte ho, unke saath vlog create kar rahe ho. Couple vlogs, they are quite famous. Okay, or newlyweds couples or in a relationship kind of a vlog. And thirdly are like friendship kind of a vlog. Aapke vlogger friends hai ya fir aapka khud ka bahut bada circle hai, waise wale vlogs अच्छे खासे चलते हैं, यू नो, हैशटैग डैम फैम. सो क्या मैं इन तीनों कैटेगरी में आती हूँ? वेल, एटलीस्ट दो कैटेगरी में तो मैं आती हूँ. आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि वो कौन सी कैटेगरी है गाइस. एनी वे, वेयर वाज आई? सो हाँ, मेरे व्लॉग्स में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू ऑल सी माई फेस एंड आई टोटली गेट इट. आई मीन, व्हाई डू यू वांट टू सी माई फेस ऑल द टाइम मेरे व्लॉग्स में? माई फैमिली मेम्बर्स आर नॉट दैट कम्फर्टेबल ऑन कैमरा. लाइक दी इतना आती नहीं है. भाई मेरा बहुत ही रेयर अपीयरेंस देता है. पापा अपने में बिजी रहते हैं, मामा अपने में बिजी रहती है. और लियो माई डॉग, उसे तो व्लॉग्स में आना पसंद है. पूछा नहीं मैंने कभी उससे. एनीवे, सो टुडेज वीडियो इज काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट टू ऑल द व्लॉग्स दैट आई हैव पोस्टेड ऑन माई चैनल. फर्स्टली लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द करेंट सिचुएशन ऑफ माई रूम. माई रूम इज काइंड ऑफ गोइंग थ्रू अ मेकओवर. दिस इज अ मास्टर बेडरूम. दिस वॉज सपोज टू बी मॉम्स डैड रूम, बट क्योंकि वो इतना ऊपर नीचे नहीं करना चाहते थे तो मी एंड माई सिस्टर वी शेयर दिस रूम. सो आप लोग देख सकते हो देर इज अ वुडन वॉल, ओके, बिहाइंड मी, दैट काइंड ऑफ सेपरेट्स दिस वर्सेस दैट पार्ट ऑफ माई रूम. सो दिस पार्ट ऑफ माई रूम इज गोइंग थ्रू अ मेक ओवर. सो बेसिकली सीलिंग जो थी इस कमरे की, उसमें वो जो सीलन होती है ना, वो ब्लैक ब्लैक मोल्ड्स जो होते हैं या फिर उसे खोस्टिंग भी कहते हैं, वो होने लगा था. एंड इट वॉज डैमेजिंग द वॉल्स सो बैड. और उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी था. कुछ लोग को तो एलर्जी भी होती है उससे, कुछ लोग की तो सच में डेथ ही हो जाती है, पता है, इतनी एलर्जी होती है उनसे. सो या, सो इसलिए उसको रिपेयर कर रहे हो. बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत है रूम की. मेरे पास शूट करने के लिए स्पेस नहीं है. एंड एक पार्ट ऑफ माय रूम इज ऑल कवर्ड अप विथ माय क्लोथ्स, क्योंकि इस अलमीरा को हमें मूव करना पड़ा था, जो अलमीरा मेरे लेफ्ट साइड में है. और मूव करने के लिए जितने भी सामान थे अंदर, उसे निकालना पड़ा था. सो पूरा रूम हॉच पॉच हो चुका है. सो मैंने कल कुछ कॉन्टेंट फिल्म तो किया था, एडिट भी कर लिया था, और मुझे इंट्रो आउट्रो फिल्म करना है. Hey everyone, so I have done filming intro outro for the video. It's currently 1 o'clock. मैंने यहाँ पीछे बैठ के फिल्म किया. This is my brother's room. And now I will start editing the video. I use this application that is Adobe Premiere Pro to edit my videos. And my brother is gonna work there. उसका office शुरू होने वाला है. We are gonna share this space today. बोल ना, रोकड़ा चाहिए उसको. क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने तेरा स्पेस यूज किया था, रूम यूज किया टू फिल्म अ वीडियो. तेरे रूम का एयर ब्रीथ कर रही हूँ. ठीक है, ओपन. आई विल गूगल पे यू. ये कौन सा आसन कर रहे हो लियो? ये स्विमिंग आसन है. लियो को खुजली हो रही हो, वो उसे हम बोल रहे नहा ले, पर वो नहाना नहीं चाहता है. क्यों नहीं नहाना चाहता लियो? नहा ले, नहा ले लियो. Hey guys, it's currently 7 o'clock in the night. I was just getting ready doing my makeup because I wanted to shoot some branded content for an ad. I collaborated with Ponds to do a giveaway Instagram पे. So my room is still a mess. By the way, मेरा वो वाला room paint हो चुका है. वो वाले इस room का वो वाला side paint हो चुका है. We selected the color sky blue. I mean, अभी तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है उसे देख के, क्योंकि मेरा रूम क्रीम कलर का था. बट हो सकता है थोड़ी आदत हो जाएगी 2-3 दिन में मुझे उसकी. तो एम आई टी इज़ लाइक क्लीनिंग अप ऑल द मेस विच वॉज लेफ्ट आफ्टर पेंटिंग द रूम. और मैं अभी अपने भाई के कमरे में हूँ. आई हैव ऑल दिस पैकेजेस. ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो पॉन्ड्स के हैं. सो लेट मी जस्ट ओपन इट एंड टॉक टू यू वाइल आई एम ओपनिंग दिस पैकेजेस. सो पॉन्ड्स
का कोलैब मुझे आया था थ्रू अ एजेंसी. ओके एंड दे वांटेड टू डू लाइक अ इंस्टाग्राम पोस्ट विथ मी, कोलैब पोस्ट विथ मी, और गिव अवे वाला पोस्ट करना चाहते थे. तो मैंने उनसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट मांगी कि उस गिव अवे पोस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, और उन्होंने मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर्स के भी पोस्ट भेजे कि ऐसे आपको पोस्ट करना है और ये सारे प्रोडक्ट्स होंगे. एंड फर्स्टली आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे पॉन्ड्स की तरफ से कोलैब आया है एंड इट्स अ पेड कोलैब एंड दे वॉन्ट टू डू अ गिव अवे विथ मी ऑन माई प्रोफाइल. ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आई हैव लाइक 20K फॉलोअर्स देयर. आई वॉज सो हैप्पी एंड देन आई काइंड ऑफ डिड सम बैकअप चेक फॉर द प्रोडक्ट्स एंड आई वॉज लाइक यू नो वॉट, आई सो वॉन्ट टू कोलैब विथ यू एंड आई डू वॉन्ट टू कोलैब विथ यू, बट ऑन वन कंडीशन. That is, I won't be promoting sheet masks and also the white beauty range by Pond's. And then the agency was like, okay, we understand, let me just check back and revert back to you. And she took her time, like ek din unhone liya and then she reverted back. I was like, you know what, ye to collab gaya mere haath se, kyunki I don't think so the brand is gonna consider my thoughts. यू नो पेड कोलैब की वजह से या पॉन्ड्स की कोलैब की वजह से आई डोंट वॉन्ट टू, यू नो आई डोंट वॉन्ट टू लाइक किल माई एथिक्स, भले कितना भी अच्छा ब्रांड हो, कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो. एंड नाउ वी आर डूइंग द कोलैब विदाउट द वाइट ब्यूटी रेंज एंड द शीट मास्क गाइस. इज़न्ट दैट अमेजिंग? आई मीन आई वॉज सो हैप्पी. आई मीन थैंक यू टू दैट एजेंसी कि उन्होंने कंसिडर किया. उन्होंने ऐसा नहीं बोला मुझे कि नो 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 ऐसा नहीं कर सकते हम, यू नो व्हाट अदर इन्फ्लुएंसर्स आर आल्सो डूइंग इट. ओके एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे, इट्स करेंटली 8:30 इन द मॉर्निंग. ओके आई गॉट अप, आई ब्रश माय टीथ एंड माय रूम इज ऑल ब्लू नाउ. ओके ब्लू इज काइंड ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट कलर. आई वांटेड दिस कलर टू बी लाइटर देन दिस, बट ठीक है, आई स्टिल काइंड ऑफ लाइक इट, आई एम नॉट यूज्ड टू इट. ओके नया नया लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, देखते हो सकता है आदत हो जाएगी दो तीन दिन में. एंड माई पर्दास आर ग्रीन एंड माई रूम इज़ ब्लू. आई मीन दिस इज ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशन विच इज़ गोइंग ऑन. अलग ही लग रहा है मेरा पूरा बैड जोक. एनी वेज, ओह लगी तो नहीं आप लोग को, सॉरी सॉरी. ऑल राइट पीपल ऑफ इंटरनेट, आई गॉट ऑल ऑफ माई ब्रशेज, वेट देयर अ लॉट. I'm kind of trying to hold them. Wait, the struggle is real. Anyway, so I have all of my makeup brushes right here with me. And almost everything is dirty. It's been over 2 weeks. मैंने नहीं धोया नहीं है, तो भी वो wash them now. मेरे पास इतने सारे brushes थे कि मैंने सब बाल्टी में डाल दिया है. Okay. And I will be using this brush cleanser that I got from Amazon. And then I'm gonna pump one pump of liquid hand wash in it, and then take my brush, the dirty one, and start rolling it like that. ऐसे करने से क्या होगा कि पानी हम कम वेस्ट करेंगे और ब्रशेस क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है. So yeah everyone, I will see you in a while after I'm done cleansing my brush. पर्दे निकालो, धो रहे हैं मुझे, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है तो वही निकाला जा रहा है इस वक्त. सॉरी लगी तो नहीं. पर्दा निकालने के बाद क्या तो अलग ही चमक रहा है पूरा कमरा, बहुत रोशनी है. पीछे कपड़े पड़े अभी भी. मम्मी 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 चाय दे दो मम्मी. रखिए उसमें, उठो वहां से. मॉम सेंड मी टी यू ऑल एंड आई एम ऑल्सो वॉचिंग स्ट्रेंजर थिंग्स एपिसोड 1 सीजन 1. हेडिंग आउट टुडे टू मीट माय कॉलेज फ्रेंड्स. आई एम मीटिंग देम आफ्टर 2 ईयर्स, मे बी मोर देन दैट. एंड two of them are getting married to each other and this mask is by Sajja by Sheshri. She has an Instagram page. I will provide link to this in the description box below, you can check it out. So pretty, it complements my kurta so well. I also took pictures today after so long. Leo ko tika lagaya. Leo, ye hamara last vlog hai, kuch kehna tumhe?
ओके आई फील द सेम. ऑलराइट सो हे एवरीवन आई एम बैक होम. पहले तो मैं आपको रूम दिखा देती हूँ. मैंने दिखाया नहीं था ना आपको रूम. सो मेरा रूम ब्लू हो चुका है. हाफ पार्ट ऑफ माई रूम इज़ ब्लू नाउ. इट इज़ अ वेरी प्रिटी कलर. इट लुक सो गुड ऑन कैमरा. और मेरा तो आधे से ज़्यादा काम ऑन कैमरा का रहता है. ओके नाउ द मास्क इज ऑफ एंड वी विल चेक द अमाउंट ऑफ पसीना दैट आई गॉट. ओके ठीक है चलेगा. इतना थोड़ा बहुत पसीना आया है मुझे. एंड आई ऑल्सो आई गॉट दिस पिम्पल ऑन माई फेस. So I don't remember what I vlogged last time, but today is Durga Navami. आज दुर्गा पूजा और नवरात्रि का आखिरी दिन है. ये साल भी दुर्गा पूजा ख़त्म हो रहा है. So हर साल नवरात्रि में मेरी मॉम भंडारा करती है. So basically she cooks lot of food with the help of like other people. So कुछ 5-6 लोग अभी किचन में हैं. They are making and cooking food. 5-6 लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, I think 4 लोग किचन में हैं, 4 लोग. And then when the food is all done, we pack it and we distribute it for the people who need it. Okay, so yes, we are definitely taking all the precautions. सब लोग मास्क पहन के अभी काम कर रहे हैं, लिए जा रहे हैं. Okay, don't you worry. So let me show you what is going on किचन में, क्योंकि किचन की हालत बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी होगी. आई नो दैट. दिस इज़ द हालत ऑफ किचन. पिंकी दीदी. हाय दीदी. दिस इज छोला पार्ट 1. दिस इज छोला पार्ट 2. दिस इज ऑल द राइस. यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है फॉर रोटी. एंड दिस इज गोभी आलू की सब्जी. That's masala for chola. Say hello, bhaiya. Hello. Say hi, auntie. Hello. The bacha coming here to eat chola. Chalo, chalo, niklo kitchen se. Chalo. That was all the food which is in making. Abhi banega, phir pack hoga. And mummy ko thodi der baad main dikhaungi kya hua hai ki kal mere mummy aur didi ke beech mein thodi si behas ho gayi thi. To mummy mujhse aur didi se thodi si naraaz hai. Wo aise dikha nahi rahe, but with her action I can really tell. So puri ready ho chuki hai. Band thand ki ekdam lipstick bhi lagaya maine, par mask ke andar aap log dekh nahi sakte. Aur aaj dashera bhi hai. Happy dashera to everyone. Okay so khana ban chuka hai. Obviously maine bilkul bhi madad nahi ki hai maa ki aur helpers ki, fir bhi main khana baantne ja rahi hu. Pack ho chuka hai wo. And I'm going to Gautam Nagar. Main wahan ke bachchon ko janti hu actually, kyunki main jab college mein thi then हमारा एक छोटा सा ग्रुप था कॉलेज फ्रेंड्स का. और हम लोग एक छोटा सा एनजीओ चला रहे थे तब, जहाँ पे हम लोग मतलब स्लम के बच्चों को पढ़ाते थे. यू नो गुड वर्क वी यूज़ टू डू. फिर कॉलेज ख़त्म हो गया तो नोबडी एवर थॉट ऑफ लाइक कंटिन्यूइंग दैट वर्क. सो चलो वहीं जा रहे हैं हम लोग. वहाँ के बच्चे मुझे जानते हैं. Hey guys, so this is the slum that I was talking about. ओके हमारी गाड़ी आके पहुँच चुकी खाना लेके. वी आर हेडिंग होम नाउ. सो आई वाज सेइंग कि बुलाने में पूरा दिल लगे और बैठने में 5 मिनट भी नहीं लगा. 5 मिनट आई स्क्रब्ड माय लिप्स सो विगरसली कि दे आर हर्टिंग नाउ, बट दे आर लुकिंग सो बिग एंड प्लम्ड एंड जूसी. ओके ओके आई नीड टू डू सम एक्सप्लेनेशन. मैं लास्ट ब्लॉग तो बोल रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई वोंट बी पोस्टिंग अ डे इन माई लाइफ और माई रूटीन्स, क्योंकि इन दैट वीडियो आई कैन काइंड ऑफ कवर थिंग्स विच आई एम डूइंग फॉर अ डे विच आई एम डूइंग, नॉट माई फैमिली और फ्रेंड्स. क्योंकि आई हैव रियलाइज दैट द फैमिली व्लॉग्स ऑन माई चैनल डजेंट रियली वर्क और ट्रैवल व्लॉग डजेंट वर्क. सो वो मैं कम कर रही हूँ फॉर नाउ. ठीक है फॉर नाउ. And what day is today? Today is 30th October and you guys can see that I am looking all chally. I got up like really really late. The last time I vlog I told you guys that my mom is angry with me and my sister, like thoda sunburn ho gaya tha, but everything is fine now. Main mom ko bhi dikha dungi aaj ke vlog mein aur unse pooch lenge hum log ki mamma aap naraaz to nahi ho. Theek hai, this is the family real stuff that I'm showing. This is Big Boss reality show kind of which is happening. Kyunki yaar theek hai yaar family mein anban hoti rehti hota rehta hai. Anyway so hum log abhi bahar ja rahe hain, ready ho ke bahar niklenge. H&M jayenge, thodi si shopping karenge. Kal meri sister ka birthday hai और प्रथा के हिसाब से बर्थडे पे अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनना चाहिए, नहीं पहनना तो वो भी चलेगा. इट जस्ट अ थिंग
थिंग. बोलो मैं भी नाराज नहीं हूँ. घर का चीजें ही लोग देखना पसंद करते हैं मम्मी. तो पूछेंगे लोग ने क्या है, क्यों नाराज़ पूछेंगे ना, इसलिए तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि आप हमसे कुछ दिनों पहले नाराज थे. ठीक है, ओके, तो बात नहीं कर रहे थे अच्छे से. क्या आप अभी नाराज हैं मुझसे और दीदी से? नहीं. थैंक्स मॉम. हम लोग अभी बाहर निकल चुके हैं. दीदी मेरे बगल में बैठी. बर्थडे गर्ल से है. हाँ, आज मेरा बर्थडे नहीं है. अरे कल है ना तुम्हारा बर्थडे. कल है, कल. अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं शॉपिंग्स करने. शॉपिंग्स, ठीक है. तो आई डोंट नो मॉल में हमें अलाउ है कि नहीं व्लॉग करना. 90% ऑफ द टाइम नहीं रहता, बट आई विल स्नीक यू ऑल. ओके, मेड इट टू H&M. ओके, आई स्नीक्ड यू ऑल इन. मैंने कुछ शॉपिंग बैग में डाल के रखा. यहाँ पे ट्रायल अलाउड है तो मैं ट्राई करूँगी कुछ कुछ. और दीदी अभी भी घूम रही है, पूरा घूम के आ गई हैं. एंड लुक एट हर नाउ. जो लोग ट्राई करके जा चुके हैं उसमें ढूंढ रही. ये क्या हरकत है दीदी? हाँ बहुत अच्छा है दीदी. ये मैं तुम्हें दिखाया था बाय द वे. डन विद द शॉपिंग. क्या खरीदा हमने? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जा रहे हैं. आज ही मेरी बहन का बर्थडे. टुडे इज 31st October. सो आई एम ऑल रेडी टू हेड आउट. मुझे बलून्स लेना है, हैप्पी बर्थडे वाला वो स्लैश खरीदना है. आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या क्या खरीदूंगी. और मेरा पीरियड कल शुरू हो चुका है तो आज मुझे इतने क्रैम्स, इतना पेन हो रहा था, सुबह से हेडेक भी हो रहा था. बट इट्स माय सिस्टर्स बर्थडे एंड आई रियली वांट टू लाइक डू समथिंग स्पेशल फॉर हर. सो मेरे भाई ने ऑलरेडी केक ऑर्डर कर दिया है. इधर आ, इधर आ. गुड बॉय. गला टाइट है क्या तुम्हारा पट्टे का? ओ हो, चलो ढीला कर दे, रुको एक सेकेंड लियो. नहीं नहीं क्यों तो. आई एम बैक होम. सो मैं चल चल के अपने घर के पास में ही एक शॉप था, वहाँ गई थी और ये सब सामान लेके आई हूँ. बेसिकली बलून्स एंड सम डिकोर आइटम. मैंने बिल्कुल भी बार्गेन नहीं की. मन तो कर रहा था कि बोल दूँ ने 20 रुपये काट लो भैया, इतना सब कुछ तो ले रही हूँ. बट मैंने सोचा ठीक है यार, नहीं करते. आई एम डिसाइडेड टू डेकोर दिस रूम ऑफ माइंड ताकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी क्लिक कर सकें. बलून्स आर ऑलमोस्ट डन. And this is the end result. So cool. I like it. Didi is back. वैसे उसने देख लिया था. I will insert the clip right now for you all. चढ़के किसने लगाया ये? मैंने लगाया चढ़के. बलून्स तो रखा था. बलून्स लेके आई तू? हाँ. तूने अपने कौन से सीक्रेटिव स्पेस पे रखा था? हमें क्या पता दीदी? हाँ देखो फोन कर दीदी, तेरे बर्थडे के लिए बलून्स फुलाने, बता दे कहाँ माल छुपा के रखा तूने. ओ नो, माल वर्ड यूज नहीं करने का दीदी. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोना. Watching foster parents, Cindy is actually looking at the pictures that we took yesterday. So hey everyone, this is the last part of this last vlog. I'm putting a question mark to this because I'm not really sure whether I should like stop posting vlogs. You guys tell me, should I start a new channel for the vlogs or should I continue doing it, like posting one vlog every twice a week? I don't know. That's why there's a huge question mark. But you know my thoughts regarding vlogs, because a lot goes behind like making a video, and I have like huge respect for people who make like home videos or daily vloggers. Thank you so much guys for watching. If you really liked it, like this video. If you did not dislike it, comment down below and let me know your thoughts regarding this vlog. And subscribe to my channel if you haven't already, and I will see you all next time with brand new content for this channel. My eyes are all swelled up because I got up like really late today. Bye.